नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जो दिव्य हिमाचल टीवी के रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की जा चुकी हैं। आपकी ही मांग के अनुसार इन कविताओं और गजलों को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। कार्यक्रम में आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ किताबों के बारे में भी बताएंगी और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाएंगे एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की इस कविता के साथ करते हैं। जीवन जी की भाग जागते हैं कर्मव्रत कीर्ति भाजनों के, भव में अभागे आलसी हैं भीख मांगते, खोल खोल थके पर आंख खुलती है नहीं, सर्वदा सजग रहने से बे हैं भागते, भोर पर भोर हो रही है तो भले ही होवे, युवक हमारे नींद नहीं त्यागते, युग बीत गए जाति खड़ी मुंह जोहती है, कब के जगे हैं जो जगाए नहीं जागते। ताहिर अजीम साहब बड़े शायर हैं, उनकी महीन सी, महीन क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको पता लग जाएगा, गजल है। ये जो शीशा है दिलनुमा मुझ में, ये जो शीशा है दिलनुमा मुझ में, टूट जाता है बारहा मुझ में, क्या बात, मैं तेरे हिजर की गिरफ्त में हूँ, मैं तेरे हिजर की गिरफ्त में हूँ, एक सहरा है मुबतला मुझ में, क्या बात, मन महकता है किसकी खुशबू से, मन महकता है किसकी खुशबू से, कौन रहता है फूल सा मुझ में, कौन रहता है फूल सा मुझ में, कितने लम्हात का था एक लम्हा, कितने कितने लम्हात का था एक लम्हा, जिंदगी भर रुका रहा मुझ में, क्या बात, उसकी आंखों के बंद टूट गए बांध, उसकी आंखों के बंद टूट गए और सैलाब आ गया मुझ में, क्या बात है, उसकी आंखों के बंद टूट गए और सैलाब आ गया मुझ में, जब भी अपनी तलाश को निकलूं, जब भी अपनी तलाश को निकलूं, लौट आता है रास्ता मुझ में, लौट आता है रास्ता मुझ में। HES अधिकारी हैं पृथ्वीपाल सिंह, उनकी एक सुंदर सी कविता, कविता का शीर्षक है, दर्शकों के लिए मैं बता दूं, तुम चांद अबोध। लिखते हैं, मेरा मन सूना आकाश और तुम चांद अबोध, एकाकीपन में आ जाते हो देने निश्चल अमल आलोक, उद्वासित होने होते कुछ सपने, कुछ नींदों से जग जाते, कुछ बढ़ जाते हैं उन्मादित पाने को तेरा स्पर्श विशेष, अवसादों से जैसे उपजा कोई शीतल सा पीयूष प्रवाह, जीवन की प्यासी रातों में तुम आए बनकर सरस सुधा, पल चुप है लेकिन मौन नहीं, यह सतत आमंत्रण आमंत्रण गौण नहीं, इस सूने मन में बस जाओ, इस सूने मन में बस जाओ, यह अकुलाहट बस और नहीं, यह अकुलाहट बस और नहीं। HES अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह जी की एक कविता। जाना फिर जाना उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, पर पहले अपना यह आंगन कुछ कहता है, उस उड़ते आंचल से गुल्हड़ की डाल बार बार उलझ जाती है, एक दिया वहाँ भी जलाना, जाना फिर जाना, एक दिया वहाँ जहाँ नई नई दूबों ने कल्ले फोड़े हैं, एक दिया वहाँ जहाँ उस नन्हे गेंदे ने अभी अभी पहली ही पंखड़ी बस खोली है, एक दिया उस लौकी के नीचे जिसकी हर लतर तुम्हें छूने को आकुल है, एक दिया वहाँ जहाँ गगरी रखी है और एक दिया वहाँ जहाँ बर्तन मांजने से गड्ढा सा दिखता है, जाना फिर जाना एक दिया उस तट पर जला आना। होशियारपुरी साहब, क्या बात, बहुत बड़े शायर, थोड़ी लंबी सी गजल है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ूंगा मैं। अपने कदमों ही की आवाज से चौंका होता, अपने कदमों की ही आवाज से चौंका होता, यूं मेरे पास से होकर कोई गुजरा होता, क्या बात, चांदनी से भी सुलग उठता है वीराना जहां, चांदनी से भी सुलग उठता है वीराना जहां, ये अगर जानते सूरज ही को चाहा होता, क्या बात, जिंदगी ख्वाबे परेशान है बहार एक ख्याल, इनको मिलने से बहुत पहले ये सोचा होता, दोपहर गुजरी मगर धूप का आलम है वही, दोपहर गुजरी मगर धूप का आलम है वही, कोई साया किसी दीवार से उतरा होता, रेत उड़ उड़ के हवाओं में चली आती है, शहरे अरमा सरे सहरा न बसाया होता, आरजू उम्रे गुरेजा तो नहीं तुम तो नहीं, आरजू उम्रे गुरेजा तो नहीं तुम तो नहीं, ये सरकता हुआ लम्हा कहीं ठहरा होता, पीछे पीछे कोई साया सा चला आता था, पीछे पीछे कोई साया सा चला आता था, हाय वो कौन था मुड़कर उसे देखा होता, क्या बात, तुझसे यकगो न ताल्लुक मुझे एक उम्र से था, तुझसे यकगो न ताल्लुक मुझे एक उम्र से था, जिंदगी तूने ही बढ़कर मुझे रोका होता, क्या बात, जाने क्या सोच के लोगों ने बुझाए हैं चराग,
जाने के सोच के लोगों ने बुझाए हैं चराग, रात कटती तो शहर होती उजाला होता। क्या बात है। अपने दामन को जलाकर मैं चरागा करता, अपने दामन को जलाकर मैं चरागा करता, अगर इस राख में अख्तर कोई शोला होता। क्या अगर इस राख में अख्तर कोई शोला होता। होशियारपुरी साहब की गजल राजेश। पता नहीं यह हमारा समय है या हम किसी और समय में बलात यहाँ आ गए हैं। इतना स्पाट है यह समय कि इसमें कोई सलबटें, परतें, दरारें नजर नहीं आती और इससे भागने की कोई पगडंडी तक नहीं सूझती। हम अपना समय लिख नहीं पाएंगे। यह समय धीरे धीरे चल रहा है, लगता है सब घड़ियों ने विलंबित होना ठान लिया है। तो अब आप मिलिए मेरी सहयोगी पल्लवी से और पल्लवी आपको बताएगी कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। हमारी आज की किताब का नाम है पापा आर यू ओके। ये नाम ही भावनाओं से भरा हुआ है, तो आप स्वयं सोचिए किताब में कितनी भावनाएं होंगी। राजेंद्र राजन इस किताब के लेखक हैं। हमीरपुर के बल क्षेत्र से संबंध रखने वाले राजेंद्र राजन की कुछ पुस्तकों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पापा आर यू ओके एक कहानी संग्रह है। किताब के अनुक्रम में कई रोचक नाम के विषय जैसे कंफर्ट जोन, हिटलर की औलाद, हनी ट्रैप, वाईफाई आदि शामिल हैं। लेखक फीचर फिल्म निर्माण और निर्देशन के लिए भी जाने जाते हैं। पापा आर यू ओके 11 कहानियों का संग्रह है जिसमें आपको जिंदगी के हर पड़ाव में पिता की नजरों में पुत्र के प्रति चिंता देखने को मिलेगी। बात करें अगर इसके प्रकाशन की तो किताब का प्रकाशन हुआ है भावना प्रकाशन पचपड़गंज दिल्ली में और मूल्य है मात्र 400 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। उम्मीद है किताब आपको बेहद पसंद आएगी। आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का। तो आप सुनिए पालमपुर से सरोज परमार की कविता खुद उनकी आवाज में। कविता का शीर्षक है घड़ी। घड़ी की सुइयों के साथ फिरकी बनी घूमती रही, थमती रही, घूमती रही। घड़ी की सुइयों के साथ फिरकी बनी घूमती रही, थमती रही, घूमती रही। काश ये सुइयां टूट कर गिर पड़े और वक्त ठहर जाए। काश ये सुइयां टूट कर गिर पड़े और वक्त ठहर जाए, ताकि मैं सो लूं अपनी इच्छा से, खा लूं अपने मन से, जीभ को पता तो चले स्वाद के तीखेपन का। काश ये सुइयां टूट कर गिर पड़े, वक्त ठहर जाए, ताकि मैं सो लूं अपनी इच्छा से, खा लूं अपने मन से, जीभ को पता तो चले स्वाद के तीखेपन का। एक पैर से उचक उचक कर आंगन में खेल लूं, पकड़ लूं तितलियों को, गौरैया के झुंडों को, खाऊं झरबेरी के खट्टे मीठे फल। एक पैर से उचक उचक कर आंगन में खेल लूं, पकड़ लूं तितलियों को, गौरैया के झुंडों को, खाऊं झरबेरी के खट्टे मीठे फल, चुराऊं कच्चे अमरूद और पड़ी रहूं रज्जो बुआ के पिछवाड़े। चिल्लाते रहे घर के लोग सुनकर अनसुनी कर, चिल्लाते रहे घर के लोग सुनकर अनसुनी कर दूं, सब मेरे लिए परेशान होते रहे और मैं खुश होती रहूं। उम्र के कितने ही चुलबुले लम्हे चुरा लिए हैं बैरी वक्त, उम्र के कितने ही चुलबुले लम्हे चुरा लिए हैं बैरी वक्त ने। प्रार्थना है मित्रों, मेरे परिजनों, अंतिम वेला में मेरे आसपास घड़ी मत रखना। प्रार्थना है मित्रों, मेरे परिजनों, अंतिम वेला में मेरे आसपास घड़ी मत रखना। इसकी गिरफ्त से छूट चुपचाप भाग लूं और बरसों बाद वक्त मुझे ढूंढता फिरे। प्रार्थना है मित्रों, मेरे परिजनों, अंतिम वेला में मेरे आसपास घड़ी मत रखना। इसकी गिरफ्त से छूट चुपचाप भाग लूं।
अगर आप भी लिखते हैं, आप में भी है लिखने की कला, तो शर्माइए मत, बनाइए अपने वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। चयनित होने पर आपकी रचना को पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर दर्शाया जाएगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। तो आज के साहित्यिक सफर में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है, इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।